तो बच्चों ये हम क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो इंटीजर वैल्यूज पूछी हुई हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे इसमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन जो है यूजुअली एडवांस में आते थे, पहले भी आते हैं, अभी ये क्वेश्चन जो है हम करके कर देखेंगे कैसे आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कुछ पार्ट यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विथ मैग्नीशियम कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड का जब रिएक्शन कराया तो रिएक्शन करने के बाद एक तो MgOH होल ट्वाइस बनेगा और साथ में बनेगा आपका C3H4, C3H4 is propyne। प्रोपाइन में हमने क्या किया यहां पर, प्रोपाइन में हमने NaNH2 ऐड किया। प्रोपाइन में जब NaNH2 ऐड करेंगे सो इट वुड बी लाइक CH3C CH+ NaNH2। इट वुड बी एसिड बेस रिएक्शन विच विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3C CNA। और जब इसका रिएक्शन आप MeI के साथ कराएंगे, मिथाइल आयोडाइड के साथ, इट विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3C CH3। यहां पर आपका ब्यूटाइन फॉर्म, यहां का ब्यूटाइन फॉर्म हुआ। और ब्यूटाइन को जो आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से आप रिएक्शन कराएंगे, यहां पर ट्राइमराइजेशन होगा और ट्राइमराइजेशन के बाद इट विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फॉर्म होगी, जहां पर सब पर CH3 जो है वो आपका एडेड होगा। बट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है कि इसका मास कितना फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर C3H4 का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ C3H4 इज 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पी वुड बी 4 / 40, इट इज 0.1। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्यू, रिएक्शन 75% हुआ, तो अगर इस रिएक्टेंट का 1 मोल है तो प्रोडक्ट का कितना मोल होगा इसका, 75%। 75% का मतलब कितना हुआ, 1 × 0.75/100, या 75% निकालना है तो इट वुड बी 1 × 75/100, दैट इज 0.75 मोल। और 0.75 मोल्स के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हुआ वो इसका 40% हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसका 40% हुआ तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, एक तो 40% हो रहा है, उसके बाद भी क्या हो जाता है, 40% होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल आपका ट्राइमराइज हो जा रहा है। तो हम ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका कितना मास रिएक्ट करेगा, क्योंकि कितना मास रिएक्ट करेगा, इसके टोटल 0.75 मोल्स हैं जिसके सिर्फ 40% ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो मोल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, दैट वुड बी 0.75 × 40/100। इतने मोल्स आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनका मास कितना होगा, इनटू द मास ऑफ क्यू इज ब्यूटाइन। क्यू क्या है, ब्यूटाइन है, और ब्यूटाइन का मास कितना होगा, टोटल 54, तो इनटू 54 कर दिया। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन टोटल मास निकाल रहे हैं, ये आपके मोल्स थे, मोल्स को हमने मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द मास ऑफ क्यू विच इज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास क्यू का रिएक्ट करेगा आर का उतना ही फॉर्म होगा, एंड दिस आंसर वुड बी 1.62 ग्राम। अब आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, इसका जो मास आएगा दैट वुड बी 1.62 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ आर दैट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन में सबसे पहले हमने मैग्नीशियम कार्बाइड लिया, वी रिएक्टेड विद वाटर, इससे आपका प्रोपाइन फॉर्म हुआ। प्रोपाइन की हमने NaNH2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन की, जिससे आपका ये प्रोपाइड फॉर्म हुआ। देन मिथाइल आयोडाइड के साथ ब्यूटाइन फॉर्म, ब्यूटाइन का पॉलीमराइजेशन हुआ, एंड फाइनली आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन बना। तो क्वेश्चन तक तो ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करना था तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आराम से कैलकुलेट कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। हमने 0.1 मोल रिएक्ट किए थे, 0.1 मोल का 75% रिएक्ट हुआ, दैट मीन्स क्यू के 0.75 मोल जो है फॉर्म हुए होंगे। फिर हमने उसके 40% मोल जो है आगे आर में कन्वर्ट किए, मोल्स ऑफ पी जो क्यू में कन्वर्ट हुए, और क्यू जो आर में कन्वर्ट हुए, तो कितने मोल कन्वर्ट हुए क्यू के, दिस मच मोल्स। और इसको हमने इसके मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें पता चले कि इसका कितना मास जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस इज मास ऑफ क्यू विच पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट रिएक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना क्यू का मास रिएक्ट करेगा आर का उतना ही मास फॉर्म होगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।
बस इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन जो है नीचे क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा 6 जो है लेंदी है, हम एक बार फिर से देखते हैं। आपका प्रोपाइन फॉर्म हुआ था CH3C CH, और हमने इसका रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद हमने वाटर का एडिशन किया, वाटर का एडिशन से एस पर, एस क्या होगा जब आप प्रोपाइन में वाटर का एडिशन करते हैं तो प्रोपाइन में वाटर के एडिशन से कीटोन फॉर्म, एसीटोन, यहां पे आपका एसीटोन फॉर्म हो गया। एसीटोन के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, पी के जितने मोल रिएक्ट करेंगे उतने ही तो फॉर्म होंगे, 100% रिएक्शन है, तो अगर ये 0.1 मोल रिएक्ट हुए तो इसके कितने मोल्स बने, 0.1। फिर हमने इसमें डाइल्यूट बेस ऐड कर दिया, बेस की वजह से क्या होगा, बेस से यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर हमने हीट भी कर दिया है, सो द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी लाइक दिस। बेटा आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, हो सकता है आपको एक बार में क्लियरली ना दिखे, आप आराम से चेक करिएगा आपका ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म, दिस इज द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द कंडेंसेशन। तो अगर आपके इसके 2 मोल्स लेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल्स लेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसके 0.1 मोल से इससे 0.05 बनना चाहिए था अगर ये 100% हो, बट है कितना, इट्स 80%, सो इट इज 0.04। तो मोल्स ऑफ टी जो आपके फॉर्म हुए एल्डोल कंडीशन का, जो टी फॉर्म हो रहा है इसके कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, 0.04। फिर हमने इसका NaOCl के साथ रिएक्शन कराया, और NaOCl जो है इट विल लेड टू हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद आपका यू फॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद आपका यू फॉर्म होगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन में अल्फा मिथाइल ग्रुप सेपरेट हो जाता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन वुड बी, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फॉर्म हो रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड है ओ ओ माइनस और एन ए प्लस, O minus and Na plus, this is the compound which will form after the reaction. हम और एक और जो product form होगा that would be CHCl3. Now U is the compound which decolorizes Bayer's reagent. U is the compound which decolorizes Bayer's reagent. आपको इसमें check करना है कि Bayer's reagent को कौन decolorize कर रहा है, तो Bayer's reagent कौन decolorize कर रहा है, बेयर्स एजेंट कौन डिक्लेराइज कर सकता है, बेयर्स एजेंट को डिक्लेराइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डबल, तो ये भी कर सकता है। अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो इसके कितने मोल्स थे, हमने यहां पर देखा कि आपका 0.04 मोल जो है वो टी के फॉर्म हो रहा है, और टी के बाद जो है फिर से 80% रिएक्शन हुआ, तो आपका 80% रिएक्शन हुआ तो यू के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 0.04 × 80/100, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके जो मोल्स फॉर्म होंगे दे आर 0.032। These are the moles of U that is formed. But हमसे तो मास पूछा, हमसे तो मास पूछा है, तो हम मास कैलकुलेट करते हैं। ये आपका CH3, यहां पर एक आपका H होगा। So when you calculate the mass, its mass would be 110. Molar mass जो है आपका कितना है, 110 है, और इतने moles form हुए। So mass is 0.32 × 110. So on multiplying, you will get 11 × 22, 11 × 33, 3.52 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ Y, which is, बट बेटा एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में आपको, इस रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पर एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मगर आप दिमाग लगाएंगे तो यही मानेंगे कंपाउंड जो है वो सॉल्ट होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कंपाउंड मे बी एन एसिड, क्योंकि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा आपका एसिड जो है रिक्वायर्ड होता है, अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कर दें लास्ट कंपाउंड जो है वो यू, इट मे बी एन एसिड होगा, देन इट्स फॉर्मूला वुड बी CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CO H। यूजली आपका मेन चांसेस है, आपके मोस्ट ऑफ द केसेस इट वुड बी 3.52, बट एसिडिफिकेशन की एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिएक्शन में एसिड की जरूरत होती है, अगर एक पॉसिबिलिटी हम मान के चले तो आपका एक आंसर ये भी हो सकता है। अब जब एक्चुअली क्या हुआ है, ये हम रियल आपका जब जे एडवांस आंसर की रिलीज करेगा तभी पता चलेगा, अभी हम दोनों पॉसिबिलिटी मानकर सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है तो इसके मोल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, इट्स मोल्स इज 0.032, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास जो आएगा दैट वुड बी 88। अगर इसका मोलर मास जो है वो 88 आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा,
कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 2.816 आपका पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं, दोनों में से आपका कोई भी आंसर जो है वो हो सकता है।